सिंधे गोष्ठी ही असरी शिवसेना एभली किछि स्पष्ट कर देइछंती महाराष्ट्र बाचस्पति राहुल नरवेकर एथिसहित सिंधे गोष्ठी रो 16 विधायक को अयोग्य घोषित हेबार थिबा आशंका टळिछि। सिंधे गोष्ठी विधायक को सदस्यता कायम रखिछंती बाचस्पति। बाचस्पति को ए घोषणा परे सिंधे गोष्ठी खुशी मनाइछंती, परस्पर मधरे मीठा बांटिछंती। 2022 जून रे महाराष्ट्र विकास अगाधी सरकार पतन होता और मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देते उद्धव ठाकरे। उद्धव नेतृत्व को अस्वीकार कर शिवसेनार एक गोष्ठी सरकार समर्थन प्रत्याहर करते जार नेतृत्व नहीं एकनाथ सिंधे से बीजेपी सहित मिसी सरकार गठन करते सहित एकनाथ सिंधे मुख्यमंत्री होते यह विरोध में उद्धव ठाकरे गोष्ठी आपत्ति करने सहित सिंधे सहित गोष्ठी विधायकों अयोग्य घोषणा करने लगी आवेदन करते कथा सुप्रीम कोर्ट को जाता बेले कोर्ट निष्पत्ति नेबा लागि बाचस्पति को निर्देश देते मामलार विचार कर बाचस्पति राहुल नरवेकर निजर विचार व्यक्त करपटे उद्धव कहते बाचस्पति निष्पत्ति गणतंत्र हत्या निष्पत्ति विरोध में आम पुणी सुप्रीम कोर्ट जीवो। I have made the following from my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 here and above. I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. जरूर जनता के बीच में मैं हम तो जा ही रहे हैं, जैसे आज भी आदित्य कोल्हापुर में उस तरफ है, मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को तालाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे, जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। ये सत्य में जीते हैं, आखिर सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत हुई है और ये मेरिट पे रिजल्ट दिया हुआ है, क्योंकि मैं पहले से कहता था कि लोकशाही में मेजोरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है और इसलिए आज स्पीकर ने जो फैसला सुनाया है ये लोकशाही में ये डेमोक्रेसी का जीत है।